<applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا <applause> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. मालकुमोन ही मिन अलियातुम सरून मोहतरम भाई और बहनों हमने सोरेत की दो आयतें तलावत की आयत नंबर एक सौ बारह और आयत नंबर एक सौ तेरह इन दोनों आयतों की रोशनी में पिछले दर्स में हमने इस्तेकामत के मुतालिक बातें की थी कि फस्तकम गा उम्र तोमता कि इस्तेकामत का हुक्म दिया गया है कि हमें चाहिए कि हम दीन पर हर वक्त कायम और डटे रहें अल्लाह अल्लाह आलमीन की इबादत इताअत रसूल सल्लम की फ़रमा बरदारी पर मरते दम तक अपनी इस्तात पर हम डटे रहें जरा बराबर इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए आलमीन ने हमें कुरान पाक के अंदर फरमाया वाला इल्ला व वा अंतु मुस्लिमून मरते दम तक तुम फरमा बरदार रहो अल्लाह आलमीन की इबादत इताअत रसोलसम की फरमा बरदारी इस्लामी अहकाम पर अमल करना ये कोई वक्ती चीज़ नहीं है बल्कि मुस्तकिल कंटिन्यू बराबर ज़िंदगी भर होना चाहिए जैसे कि आलमी ने फरमाया वो रबा का हत्या अति यकीन आप रब की इबादत करते रहें जब तक कि मौत ना आ जाए तो ज़िंदगी भर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एतात फ़र्मा बरदारी पर डटे रहना है और इस पर इस्तेकामत इख्तियार करना है और यही सबसे बड़ी नेकी है हजरत इब्न जबल और रजाल्ला तबी सला के पास आए कि या रसोल्ला वसीयत करें तो आपने कई वसीयतें की थी उनमें एक वसीयत ये थी कि फस्तकम वलतुसिन खुल कका दो चीज़ें मुआज़ करो नंबर एक दीन पर इस्तकामत इख्तियार करो और नंबर दो अपने अखलाक को अच्छा बनाओ अल्लाह ताला, अल्लाह ताला से हम सारे कलमा गो जब भी फातिहा पढ़ते हैं तो इसी इस्तेकामत की दुआ करते हैं इह मुस्तकीम। अल्लाह हमें सरात मुस्तकीम पर कायम रहना आज हमने वही दोनों आयात पढ़ी हैं लेकिन इस्तेकामत के बजाय आज हम ये आपके सामने ज़रा वजाहत करना चाहते हैं कि इस्तेकामत से हटा देने वाली अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी से रोक देने वाली चीज़ें क्या हैं या यूँ समझिए कि इस्तेकामत इतना ज़रूरी अमल है इसी पर आखिरत में नजात और कामयाबी मौकूफ़ है इस इस्तकामत में इस्तकामत से महरूम कर देने वाली चीज़ें क्या हैं आज इख्तिसार के साथ हमें यही समझना है कि इस्तकामत से हमें महरूम कर देने वाली चीज़ें क्या हैं हमें उनसे बचना बेइंतहा ज़रूरी है ताकि हमारी इस्तकामत महफूज रह जाए तसुरहूद तो की आयत नंबर एक सौ बारह एक सौ तेरह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेकामत से महरूम कर देने वाली दो बड़ी ख़तरनाक चीज़ें बयान की हैं और यही दो चीज़ें मेन हैं अगर हम इन दोनों चीज़ों से अपने आप को बचा लें जो मुसलमान जो कलमा गो अपने आप को इन दोनों ख़तरनाक बुराइयों से बचा लेगा वो कभी इस्तेकामत से इन महरूम नहीं रहेगा तो आप हजरात से हम यही गुजारिश करेंगे और हमारे हमारे आज इस प्रोग्राम और इस मजलिस का मैंने सबसे बड़ा मकसद अपना यही बनाया है कि अपने भाई और बहनों को जो सुनने वाले हैं उन्हें इन दोनों ख़तरनाक चीज़ों से मतनवे करें ताकि अपने आप को इस से बचाएं इस पर कायम रखें और जलालत तो गुमराही से बचें इसकामत की राह में जो चीज़ें रुकावट बनती हैं उनसे अपने आप को महफूज रखें और अपनी इस्तेकामत बाकी रखने की कोशिश करें वो दोनों चीज़ें जो हैं उनमें पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि रब्बुलमी ने आयत नंबर 112 के अंदर फ़रमाया वला तत गौ वला तत कमा उमिर तवमंता बम अक फस्तकी कमा उमिर तवमंता बम अक वाला पहले इस्तेकामत का हुक्म दिया फिर अल्लाह ताला ने आयत के आखिर में फरमाया वला तौ तत वला वाला और ततगौ मत करो ततगौ समझना है ततगौ हमारे यहाँ एक उर्दू ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता उसको तुग्यानी। है उसको समझे तगयानी कहते हैं आज समुंदर की समुंदर में बड़ी तगियानी है मौजों में बड़ी तगियानी है क़वा ग़ैन या अलिफ़ नून या यानी तुगयान उसी से असल में ततगौ बना हुआ है तुगयानी आप समझें तुगयान कहा जाता है किसी चीज की जो एक हद मुकर्रर की गई है उस हद से आगे बढ़ जाने का नाम तुगियान है हर चीज जिस चीज़ हर की एक हद मुकर्रर है जब कोई चीज अपने हद से आगे बढ़ जाती है कहा जाता है ये तूहानी है समुद्र के किनारे देखे कार्निश बना रहता है घूमने का टहलने का बैठने का इंतजाम रहता है लोग घूमते हैं टहलते हैं सैर सपाट करते हैं लेकिन जब समुद्र के अंदर मौजें आए और मौज़े अपने हद से पार कर जाएं अपने हद जो समुद्र के हदूद हैं उससे पार कर जाएं, पानी बाहर जाने लगे तो उसको कहा जाए समुंदर की तुहयानी तुहान है उसी तुयान से तत बना है वाला तत यानी मेरे बंदो इस्तेकामत इख्तियार करो तुगियानी से बचो ये है दोस्तों मतलब तुगयानी से बचो जब आपने तुगयान का मतलब समझा हद से तजाउस कर जाना तो उसको कहा जाता तुगयानी अब तुग तथग का मतलब समझना आपके लिए आसान हो गया वो देखें हर एक हर चीज की इस्लाम की जितनी तालीमत हैं इस्लामी जितने अकाम हैं हर एक की हद अल्लाह ने मुकर किया है जिनको हदूद कहा जाता है मसलन अल्लाह ताला ने पांच वक्त की नमाज़ फर्ज हमारे ऊपर मुकरर कर दिया है एक हद मुकर हो गई कि पांच वक्त की नमाज के अलावा चौबीस घंटे में और कोई नमाज फर्ज नहीं होती इंसान नवाफिल पढ़े कोई बात नहीं है नवाफिल है जितना पढ़े अल्लाह ताला ने जितनी तोफीक दे पढ़े इंसान नवाफिल सुन्नत मौक् है सब कुछ लेकिन पांच वक्त की नमाज फर्ज करना है फर्ज है फज्र वहर असर मगरिब ऐशा अब इन्हीं पांच नमाजों पर ईमान रखना इनकी फर्दियत पर इनकी पाबंदी करना यही है हदूद अब अगर कोई इंसान छः वक्त की नमाज फर्ज कर ले पांच वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया अब अगर कोई छः वक्त की नमाज फर्ज कर ले तो कहा जाता है इसने हद से इसके तुगयानी पर आ गया ये हद से आगे बढ़ गया इसी को कहा जाता तुगयानी हद से आगे बढ़ गया नमाज की मैंने मिसाल दी एक अल्लाह ताला ने इसी तरह हर चीज़ के एक हद मुकर है साल में दो ईदें अल्लाह ने मुक्र की हैं एक फितर दूसरी ईद उजा अब अगर कोई इंसान तीन चार ईदें बना ले तो यही कहा जाएगा हद से तजाऊज कर गया और जहां हद से तजावज हद से तजावज कर गया इस्तेकामत खत्म हो गई अब सराते मुस्तकीम कदम सीधा रास्ता खत्म ये पहली चीज है वला तथग फिर यहीं से एक चीज और समझें हद से तजाउज कर जाना और दो तरह का होता है एक है हद से ज़्यादा जो हद मुकर्रर है उससे आगे बढ़ जाएं पांच वक्त की नमाज़ फरद है इस साल में दो ईदें हैं एक ही रमज़ान का रोदा पूरे साल भर में एक ही महीने का रोदा फरद है कोई दो महीना का रोदा फर्ज कर ले पैंतीस दिन का रोदा फर्ज कर ले डेढ़ महीने का रोदा फर्ज करे एक तो यह कि यह भी हद से तजाऊस कर गया दूसरी सूरत हद से तजाऊज करने की कि इंसान उसमें कोई घटा खता दे घटाए और बढ़ाए पांच वक्त की नमाज फर्ज है अब अगर कोई चार ही वक्त की नमाज पढ़े फरज है एक वक्त की फर्जियत का इनकार कर दे ये कहा जाएगा हद उसने तोड़ दिया ना उसमें घटाना है ना उसमें बढ़ाना है ये है शरात मुस्तकीम और यही है दोस्तों इस्तेकामत हमें इसी पर कायम करना है जितना इस्लाम ने कहा उतना करना है न उससे आगे बढ़ना है न उससे पीछे हटना है न घटाना है न बढ़ाना मिसाल के तौर पर नबी रही सलातम सही है की रवायत आप बैठे हुए थे एक शख्स आया और कहाँ या रसूल बड़ी है, तवील हैदी इसे खुलासा ये कि पांच वक्त की नमाज़ फ़र्द है अल्लाह उसने फरमाया हाँ बहुत सारे सवाल किया जब सब सीख लिया जाने लगा कहता यार रसोल्ला वजी तो अल्हास हो न मैं इनमें घटाऊँगा और न बढ़ाऊंगा नहीं पांच वक्त की नमाज है हम पांच ही वक्त की फर्ज नमाज पढ़ेंगे ना कभी बढ़ा करके छह वक्त की फर्ज बनाएंगे और ना घटा करके चार वक्त की बनाएंगे वाला ला अजीद वाला अनकुस। की कसम न इसमें घटाऊंगा ना, इस ना बढ़ाऊंगा उठा अचाने लगा कुछ दूर जब गया तो अल्लाह शात रमाया अल्लाह की कसम कदाफ रहा हा इसने जो वादा किया है इसने जो वादा किया तो कि वाला ही ला अजीद वाला वाला न इसमें मैं घटाऊंगा ना बढ़ाऊंगा ये इंसान कामयाब हुआ हो गया और अगर तुम में से कोई शख्स को जन्नती इंसान देखना हो तो अगर ये सच्चा है तो ये जन्नती इंसान जाना मेरे भाइयों हद से तजाउद मत करो वाला तकामत कब तक बाकी रहेगी जब तक इंसान हुदूद को हुद, हुदूद पर कायम रहेगा अल्लाह उसके रसूल ने जो कहा वही करेगा जिन चीज़ों से न उसमें घटाएगा न उसमें बढ़ाएगा और इसी को बाज़ अहल इल्म गलू कहते हैं गलू करना यानी किसी भी चीज़ को उसके मकाम से घटाना और बढ़ाना यही असल में गलू है और इंसान गलू में मुबतला हुआ तो इस्तकामत से महरूम हुआ मिसाल के तौर पर एक बड़ी वादे मिसाल कुरान पाक के मुख्त मकाम पर अल्लाह ने ये मिसाल जिक्र की अल्लाह ताला ने अपने नबी ईशा आ सलातम को बगैर बाप से पैदा किया मात है माँ है बाप नहीं है। बगैर बाप के अल्लाह ताला ने तजरत ईशा आ सलातम को पैदा किया ईशा आ सलातम को अल्लाह ने नबी पैगम्बर बनाया जब रसालत और नबूवत का ऐलान किया तो पूरे बनी इसराइल कौम दो हिस्सों में बट गई फ आमन तवाइफ तुम बनी इसरा वाइफा अल्लाह फरमाते हैं ईशा अम को जो हमने रसूल व पैगम्बर बनाया तो पूरे बनी इसराइल कौम में दो गिरोह बन गई एक गिरोह ईमान लाया और दूसरे गिरोह ने ईमान लाने से इनकार किया ये दो गिरोह जो लोग ईमान लाए उनको कहा जाता है ईसाई जो लोग ईमान लाए उनको ईसाई कहा जाता है और जिन लोगों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया कुफ्र किया उनको यहूदी कहा गया ईशा के जमाने में, जमाने से ये दो गिरोह बनी इसराइल बन गए हमेशा से बनी इसराइल एक कौम थी एक गिरोह लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम शाम के ज़माने में बनी इसराइल दो हिस्सों में बट गए एक को यहूदी तो कहा गया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और दूसरे ने ईशा अलैहिस्सलाम पर दूसरे गिरोह दूसरा गिरोह ईमान लाया उनको नसारा और ईसाई क्रिश्चन कहा गया ईसा अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए थे ईशा लहसरा अकसाम के बाद मुश्किल से तीस पैंतीस साल शरात मुस्कीम पर थे लेकिन थोड़ा अरसा गुजर जाने के बाद जो लोग ईमान नहीं ईमान लाए थे वो भी काफिर हो गए अक्सरियत उनमें भी काफिर हो गई अब क्यों काफिर हो गई दोस्तों यहूदी भी काफिर गुमराह और ईसाई भी गुमराह हो गए हजरत ईसा की मिसाल याद रखें आप आज तक ईसाई को हम ईसाई ईसा का मानने वाला कहते हैं लेकिन अल्लाह फरमाता नहीं ईसा को मानने एक काफिर ये काफिर हो गए यहूदी पहले काफिर थे और ईसाई ईसाफ शाम के बाद में काफिर बने अब इस वक्त दुनिया में मुमकिन है चंद ईसाई हो वर ईसा शाम पर सच्चे ईमान रखने वाले हम मुसलमान हैं दुनिया में कोई ईसाई नहीं दोनों गुमराह हो गए काफिर अल्लाह ने करार दिया इन दी कफर किताब वल वी नफी खाली फीहा चाहे मुशरक़ हो बुधरस या अहले किताब यहूदी ईसाई जिनने उन्होंने कुफ़र किया सब के सब जहन में जाएंगे उलाए कम शरुलबरिया सबसे बदतरीन और घटिया मखलू की है देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी अजीब अजीब से मिसाल बयान की ईशानी सरात के मानने वाले भी गुमराह हो गए और काफिर यहूदीत पहले से काफिर थे लेकिन दोनों के काफिर होने गुमराह होने का अलग अलग अंदाज है एक ने ईशा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मकाम और मर्तबा दिया था क्या मकाम मर्तबा है अब्दुल्लाह व रसूल व करमत मरियम अल्लाह के मंदे हैं अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने बगैर बाप के उनको पैदा किया तीन खूबियां हैं हर नबी के अंदर दो ख़ूबी थी एक अल्लाह के बंदे हैं नंबर दो अल्लाह के रसूल हैं सिर्फ हजरत ईशा ला साम है जिनकी तीन खूबियाँ हैं अल्लाह के बंदे भी हैं रसूल भी हैं और अल्लाह ने बगैर बाप के उनको पैदा किया इन पर ईमान नहीं लाए यहूदी काफ़िर, इनके मकाम को घटाया रसूल मानने के लिए तैयार नहीं बल्कि तरह तरह के बहुतान तराशी की हजरत ईसा को कत्ल करने की साजिश की यहूदी अदावत में हजरत ईशा की तोहन और उनकी त, उनकी तदलील करने की बिना पर यहूदी काफिर हो गए लेकिन ईसाई यहूदी अल्लाह ने जो मकाम हजरत ईशा को दिया यहूदियों ने उस मकाम से उनको हटाया बहुत पीछे हटा दिया ये एक किस्म का गोलू किसी की बेअदबी में गोलू करना नंबर दो ईसाई काफिर क्यों हो गए अल्लाह ने हजरत ईसा इसम को जो मकाम दिया था उस मकाम से उन्होंने आगे बढ़ाया हदूद से तजाउस कर गए अल्लाह ने अब अब्दुल्ला बनाया रसूलुल्लाह उनको बनाया और रूहुल्ला कलेमतुल्लाह बनाया अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह रबुल आलमीन ने अपने कलम में से बगैर बाप के उनको पैदा किया ईसाइयों ने हजरत ईशा को अल्लाह का बेटा करार दे दिया यह अल्लाह ताला के साथ शरीक किया देखें दोनों काफिर हो गए गुमराह हो गए एक मकाम और मर्तबा घटाने में और दूसरा बढ़ाने में यही है दोस्तों गोलू और इसी को कहा गया तात्व तो गौ अल्लाह ने फरमाया वाला तात्व तो गौ से महरूम करने वाली पहली चीज यह है गोलू हद से तजाउ करना और हदूद से जो तजाउ करना है उसकी एक बड़ी खतरनाक शक्ल ये है दोस्तों समझो पहले बड़ी खतरनाक वजह जब इंसान किसी चीज को उसके हद से आगे बढ़ाए या घटाए तो इंसान गुमराह हो जाता है अकीदे में हजरत ईशा लाफाम का जो मकाम था यहू दोनों सारा ने घटाया दोनों काफिर हो गए और इसी इस हदूद से ताव करने में या ततगो या तुगयानी जो है उसकी दो शकलें बड़ी ख़तरनाक और हैं एक तो आपने समझ लिया नंबर दो अल्लाह रब्बूलम ने कुरान में और आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदीस में दीनी अहकाम की नेकियों की बुराइयों की हर चीज़ की एक हद मुकर्रर कर दिया बयात बता दिया ये सवाब का काम है गुनाह का काम है ये अजर सवाब का है और ये गुनाह का काम है नेकी अकायत अकायद में भी और आमान में भी एक हदूद मुक्र कर दिया अब अगर कोई इंसान इन हदूद से आगे बढ़ता है और इस्लाम ने जो हद मुकर किया है जो चीज़ें नेकी के मुकर की हैं उसमें कोई और चीज निकालता है उसमें कुछ बढ़ाता है और कहता है ये भी नेक काम है यह भी सवाब का काम है तो यह भी शरात मुस्तकीम से महरूम हो जाता है क्यों उसने दीन में एक नई चीज ईजाद की जिसको बिदात कहा जाता है ये बिदात बिदात कहते हैं ऐसी चीज़ जिसका कोई सबूत किताबुल्लाह सुन्नत रसूल में ना हो अब आज हमारे यहाँ इंसान ज़रा गौर करे तीजा है चालीसवा है बरसी है ईद मिलाद है मुहर्रम का ताज़िया है मातम है पता नहीं कितनी चीज़ें आज उम्मत में दीन के नाम पर मौजूद है और सब का नाम दे दिया है था बिदात हसना यही है इंसान को सिरात मुस्तकीम से महरूम करने वाली चीज इंसान इस्तकामत से महरूम क्यों अब उसके दीन में इस्तकामत नहीं बल्कि बिदात आ गई अकीदे में शिरक आ गया कुफर आ गया जलालत गुमराई मिल गई अब इस्तकामत बाकी नहीं और इसी तरह से एक शक्ल यह भी होती है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है इंसान उनको हलाल करने की कोशिश करे अल्लाह ने जो हदूद कायम किया है अल्लाह ने फरमाया ये करो इससे आगे ना बढ़ो अब इंसान आगे बढ़ कर के हदूद अल्लाह को तोड़ करके और बहुत सारे मुहर्रमात और मुनकरात नाजायद हराम चीज़ें करने लगता है अल्लाह ताला ने वादे कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी हलाल है बीवी हलाल है अपनी ख्वाहिश बीवी से पूरी करो तुम्हारी बाधी तुम्हारे लिए हलाल है अब इनके अलावा छोड़ करके कोई और रास्ता इख्तियार करे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का यही असल में हदूदुल्लाह से तजाउद है और सरात मुस्तकीम से महरूमी है तो पहली चीज दोस्तों है शर्क बिदात वलारत गुमराही ऐसी चीज़ें जो इंसान में पाई जाती हैं जो इंसान ईजाद करता है इससे वो सिरात मुस्तकीम से महरूम हो जाता है यह वाला कमा उमिर वाला हमारे नबी और ईमान वाले बंदू अल्लाह ने जितना हुक्म दिया उतना ही करो उससे आगे बढ़ोगे तो हद से पार वाला ततगौ उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो बिदात ईजाद करके शिरक़िया रसाज या ईजाद करके हदूदुल्लाह को तोड़ करके हराम करके अब उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करो इसलिए हर बिदात इंसान को सिरात मुस्तकीम से महरूम करती है और जहाँ सरात मुस्तकीम ख़त्म हुआ वहाँ इंसान जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है रसूल ने फरमाया कुल्लु व वुल्लो दौलत फंदार एक तो यह जो अल्लाह ने बयान फरमाया ततगौ इसीलिए हजरत उस्मान बिन हाजिर अल अजदी रहे मोहल्ला कहते हैं मैं तर्जमानल कुरान ताला अनुमा के पास आया मैंने कहा अब्दुल्ला आप जरा हमें कुछ वसीयत करें ऐसी बातें बताएं जिन बातों की पाबंदी करके हम जन्नत तक पहुंच जाएं और अल्लाह आलमीन को राज़ी कर लें हमारी ने अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा खात्मा बिलैर करे हमें कोई ऐसी नसीहत करे अब्दल्ला बिन अब्बास रज अल्लाह तुमने जो तर्जमान कुरान थे बहुत बड़े ालिब थे साहबा में उन्होंने बताया या उस्मान अलई कबि तकवाकाम तब तजड़े दो सौ चार बातों की वसीयत की बड़ी अहम है उनको याद रखो फरमाया अगर तू जन्नत तक जाना चाहता है कामयाबी आखरत की और कबर की चाहता है और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहना चाहता है तो चार बातों का ख्याल कर नंबर एक अलई कबे तक हर वक्त अल्लाह रब्ला आलमी का डर अपने दिल में पैदा कर तक्वा खौफ इलाही, खशियत इलाही पैदा कर सबसे पहले तकवा की वसीयत किया अले कब तक्वा अल्लाह तला का डर अपने अंदर पैदा कर हर वक्त अल्लाह रब्बालमी से डरता रहे के खौफ और खशियत का ख्याल नंबर दो वल इसत अपने अंदर इस्तकामत पैदा कर अपने अंदर इस्तेकामत पैदा कर इस्तेकामत बा, बात चल रही थी फिर इस्तकामत आएगी कैसे हमारे अंदर हम कैसे इस्तकामत पर कायम रहेंगे तो दो बातें बयान की तीसरी और चौथी फरमाया इतब हमेशा इत्तेबा करना लाह अकबर इतब हमेशा इतवा करना इतवा का मतलब क्या है इतवा कहते किसी की पैरवी करना यही जुमला याद है किसी की पैरवी करना, करना। इतवा अब शरीयत के इस्लाम इतवा कहते अल्लाह की इतवा करना अल्लाह ताला के बातों की कुरान की इतवा करना रसूल की इतवा करना सुन्नतों पर चलना कराम के तरीके को अपनाना इनका इसका नाम है इतवा और यही सरार्तें मुस्तकीम है अगर देखो कैसी प्यारी बात इतब चार बातों में से पहली बात भले ही कभी तक अपने अंदर तकवा को लाजि पैदा कर लाजिम पकड़ ले तकवा तकवा से कभी तेरा दिल खाली ना रहे नंबर दो वाली इस्तेकाम दीन पर डटे रहना कायम रहना दीन में कभी खलल नहीं आना चाहिए फिर तकवा और इस्तकामत पर कैसे कायम रहेंगे दो चीजें बताई तो उस तरह से तीसरी चीज इतब हमेशा इतवा करना पर, इतवा इतवा कहा जाता है अल्लाह ने जो कुछ किताब में कहा नबी ने जो कुछ किया जैसे किया और जिस चीज का हुक्म दिया उस उसी पर हम चलते रहे सहाबा ने किताब सुन्नत पर इस्लाम पर कैसे चले थे हाबा के नक्श कदम पर चलें। यह है इतबा किताबुल्ला सुन्नत रसुल और साथ साथ में साहब कराम के नक्श कदम पर चलना सारे सहाबा ने क्या किया ये सो कहा जाता है सुन्नत जमा चौथी चीज वाला तब तेड़े खबरदार इतवा को छोड़ करके कभी इब्तः नहीं करना क्या मतलब इब्तदा कहते बिदतें ईजाद करना बिदात कबूल करना देखिए बिदात से मना किया इस्तेकामत पर कायम रहने के लिए इतवा का होना जरूरी है और इब्तदा यानी बिदतें बिदातें इंसान को इतवा से और इस्तेकामत से हटा देती है बड़ी प्यारी नसीहत अलई कवे तक वल्ला वल इसकाम तबे वाला तब तदे अल्लाह तला का डर पैदा कर अल्लाह रब्बुल रब्लामीन का खौफ और खशियत दिल में हो और हर वक्त दिन पर डटे रहने की इस्तकामत की कोशिश कर और जिसका अमलित जिसका तरीका क्या होगा जिसका तरीका कि हमेशा बन पैरवी कर किताबुल्लाह की सुन्नत रसूल की अल्लाह के रसूल के सहाबा के नक्शे कदम पर चल वाला तब तद से अपने आप को बचा और कोई बिदात ईजाद करके दीन में शामिल नहीं करना अगर बिदात ईजाद करेगा तो इस से तू महरूम हो जाएगा ये तो है पहली चीज वला तऊ दूसरी चीज जो इस्तेकामत से हटाने वाली बड़ी अहम है बड़ी खतरनाक है उसको भी समझने की जरूरत है आयत नंबर 112 में अल्लाह ने फरमाया वला तरकनु वर्कनुल्लदी न गलमू वला तरकनु वकनुदी न गलमू फतः फता मस्कुमन्नारंदर दूसरी चीज जो इंसान को इसकामत से महरूम कर देती है सरात मस्तकीम से हटा करके जहन्नम का मुस्तक तो गुमराही में डाल देती है बना दे मुस्तक बना देती है वो है वला तरकनों खबरदार मोमिनो ख़बरदार वनू अलदीना गलामू जो ाल लोग बेदेन फुसाक और फुजार लाह अकबर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने वाले लोग हैं जरा बराबर उनकी तरफ तुम्हारा मैलान नहीं होना चाहिए दोस्तों जरा दो देखो दो दो कितनी ख़तरनाक चीज़ है और आज ये चीज़ हमारे यहाँ कोई ऐव नहीं है गला तरकनू इदीना गलम फ़तः मसको मुन्नार अ ईमान मालो इसतामत पर कायम करो कभी हद से आगे नहीं बढ़ जाना वरना इस्तकामत ख़त्म नंबर दो इस्तकामत पर कायम रहना शरीयत पर डटे रहना दीन पर डटे रहना सरात मस्कीम पर मजबूती से चलते रहना खूब मजबूती से जमे रहना डटे रहना और नाफरमानो फुस्साक फुजार बुरे लोगों की तरफ रुकून नहीं करना रुकून दोस्तों रुकून कहते हैं थोड़ा सा माइल हो जाना किसी की तरफ झुक जाना किसी तरफ झुक जाने को का नाम रुकून है और शरीयत के इस्तेलाह में यहाँ रुकून कहा जाता है किसी के तरफ माइल हो जाना और मायल होने का दो तरीका है शेखुल शेख उमासमरसरी राम ने अपनी तफसर तफसर सनाई के अंदर फरमाया कि किसी की तरफ मायल होने का दो तरीका है नंबर एक कलबी नंबर दो जाहिरी और अमली और दोनों किस्म का मैलान हमें सरात मुस्किन से महरूम कर देगा समझो दोस्तों इसको कितनी बड़ी तो वाला तरकनू अदी गलम खबरदार जरा बराबर माइल नहीं होना जो लोग जुल्म कर रहे हैं जालिम हैं नाफरमान हैं फुस् और फुज जार हैं बुराइयाँ करते हैं हराम हरामकारियां करते हैं ये सब लोग जालिम हैं ये खुद हो हों हो अपने हो या पराए हों जो भी गंदी हरकतों में बुराइयों में हैं नाफरमानियों में उनकी तरफ मैल मायल नहीं होना क्यों कहीं ऐसा ना हो फन्नार ऐसा ना हो ये जालिम जिनकी तरफ तुम मायल हो रहे हो आग जहन्नम की आग उनके साथ तुमको भी अपने लपेट में ना ले ले जहान्नम भी तुमको उनके साथ घसीट ना ले जाए अपने अंदर कितनी बड़ी व ईद है अल्लाह का कुरान अल्लाह का कलाम ऐ मेरे बंदो ईमान वालों अगर तुम जालिमों की तरफ मैनान किए तो फमाकुमन्नार जो जहन्नम की आग उनके लिए तैयार की है जिन शालों से तुम मुहब्बत करो जिनकी तरह मायल हो रहे हो जहन्नम जब उनको अपने अंदर ले जाएगी तो कहीं उनके मुहब्बत की बिना पर मैदान की बिना पर तुमको भी जहन्नम उनके साथ अपने लपेट में ना ले ले और जब जहन्नम तुमको अपने लपेट में ले लेगी तो फिर अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई हिमाती भी काम नहीं आएगा इतनी शदीद वईद और मुसलमान आज इसको समझता नहीं क्यों इतनी बुरी इतनी बदतरीन चीज इसलिए है जहन्नम में पहुंचा देने वाली कि इस्तकामत तुमने छोड़ दिया अब रुकून का मतलब समझो दोस्तों हमने कहा रुकून माइल हो जाना जालिम फासिक फाजिर मुशरिक हरामकार तरह तरह के मुनकरात करने वाले दीन से आज़ाद जानवरों की जिंदगी गुजारने वाले लोगों को की तरफ मायल ना होना मेलान दो तरफ से नंबर एक उनके जैसे अमल तो ना करें लेकिन दिल में उनकी बड़ी अहमियत और मोहब्बत हो दिल में उनकी मोहब्बत हो दिल से उनको अच्छा समझें आपकी रगबत आपकी पसंद उनकी तरफ हो वो जितनी हरकतें कर रहे हैं सब आपको अच्छी लगें आपका दिल उनकी तरह मायल हो घर से कर नहीं पा रहे हैं हो सकता है कोई उद्रोह नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दिल आपका मायल वही है जो सालिम है जहनमी है मुशरक है अल्लाह जिनसे नाराज जो अल्लाह तला के हदूद को तोड़ रहे हैं आप सहाबा को ताबेन को दीनदारों को अच्छे लोगों के किरदार को देख करके उनकी तरफ मायल होने के बजाय इन जालिमों और गुनहगारों की तरफ आपका दिल मायल होता है एक तो मैलान यह है ये इंसान को जहन्नम के अंदर लपेट लेगी दूसरा मैलान क्या है आप अमली तौर पर उनके किरदार गुफ्तार चाल चलन को अपना ले लगे आप भी वही करें जो कुछ वो कर रहे हैं आज जैसे दुनिया का मुसलमान कर रहा है अल्लाह ने फरमाया अब लाजमी चीज है कुरान ने कहा लकद कान अलाकुम फी रसुल्ला उसना अ लोगो लकद कान कानकुम फी रसूल उसना नबी अलैहिस्सलाम शान के तौर तरीके में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है नबी को छोड़ करके सहाबा को छोड़ करके दीनदारों को सोच करके आपने उनकी उनका रास्ता इख्तियार किया जो अल्लाह उसके रसूल के नाफ़रमान अल्लाह ताला के तदूद को तोड़ने वाले हर किस्म के मुनकरा तो बुराइयों में हराम हरामकारी में उनके तरफ मायर होने लगे अल्लाह ने फरमाया वाला तरकन दी गु फता जब इन तब तो इंसान को चरात मुस्कीम से दूर कर देने वाली दो चीज़ें अपने सामने आई दोस्तों नंबर एक गलू करना शिरक व बिदात मुब्तला होना अल्लाह ताला ने दीन की जो हद मुक्र की है अकीदे में अमल में अखलाक में किरदार में आप उसको छोड़ करके शिरक बिदात और तरह तरह की रस्म रवाज मुबतला हो जाए अल्लाह हुदूद को तोड़ दें नंबर दो बुरे लोगों की उल्फत महब्बत उनकी मुशाभत उनका तौर तरीक़ा उनके गुफ्तार किरदार चाल चलन को अच्छा समझ लेना ये इंसान को सिराती मुस्तकीम से मिटा दे हटा देने वाली चीज़ और इस तकाम से महरूम कर देने वाली चीज़ है अल्लाह ताला से दुआ करल्ला इन दोनों ख़तरनाक बुराइयों से हमको महफूब रखे दीनदारों की महब्बत हो दीनदारों का तौर तरीक़ा अच्छा लगे ये गंदे लोग जो कुफर शिरक में मुबला जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उरियानियत बेहयाई बेशर्मी सब कुछ गायब कर चुके हैं ऐसे लोगों की तरफ मायल होना उनको अच्छा समझना उनके इस गंदे किरदार को पसंद करना और उनके तौर तरीके को अपनाना ये इंसान को सिराती मुस्तम यानी इसकामत से हटा देने वाली चीज़ें हैं इनसे इंसान को बचना चाहिए अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोफ़िक न फरमाए और ये दोनों ख़तरनाक बुराइयाँ जो इसकामत से महरूम कर देने वाली हैं चाहे शिरक व बिदाद की शकल में हदूद्ला से तजाउत करने की हो या गैरों के किरदार गुफ्तार गुनहगार बुरे लोगों की उल्फत मोहब्बत उनके चाल चलन को पसंद करना हो ये दोनों चीज़ें आज बड़े रूज पर हैं इसीलिए मुसलमान इसतकाम से महरूम हुआ जलील और दुनिया करना जरील और ख़्वार हो रहा है अल्लाह ताला हम सब को अमल के तोफ़ी नसी फरमाए और शैराती मुस्तकीम पर कायम रखे अल्लाह इसतकामत नशी फरमाए अकुल कोलिहादफ़िर